अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पशु संबंधी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। नमस्ते किसान बंधुओं, मैं कैलाश चौबे अपने चैनल पशुपालन सेवा में आपका स्वागत करता हूं। किसान बंधुओं, आपको बता रहा हूं, गाय भैंस में गर्मी लगना, लू लगना या हाँफना या लार देना या पतला पैखाना होना, इस बीमारी के विषय में। किसान बंधुओं, गर्मी का मौसम ख़त्म हो रहा है, बरसात का मौसम चालू हो रहा है, इसमें मौसम परिवर्तन के चलते आपकी अच्छी नस्ल के गाय रखे हैं वो हाँफने लगती है, भैंस है अच्छी नस्ल की दूध दे रही है वो भी हाँफने लगती है, बछड़ा बछड़ी हाँफने लगता है, हाँफने के चलते लार आने लगता है, मुँह से फेन आने लगता है, गाय जाने लगता है, पतला पैखाना करने लगती है आपकी मवेशी, कभी कभी चारा दारा भी कम करती है, टेम्परेचर कभी घटता है कभी बढ़ता है, ये मौसम परिवर्तन का देन है किसान बंधु। इसमें आप लोग मौसम के परिवर्तन चलते ही बीमारी होती है। आपकी मवेशी अधिकतर तापमान टेम्परेचर कभी कम होगा कभी बेसी होगा, हाँफ बुखार कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, सामान्य बुखार रहेगा तब पर भी आपकी मवेशी हाँफने लगेगी, नॉर्मल बुखार रहेगा तभी भी मौसम परिवर्तन हो तो आपकी गाय भैंस अच्छी नस्ल के रखे हैं तो हाँफने लगेगा। पशुपालक भाई, आपको बता देता हूँ, इस बीमारी में आपको अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि इस बीमारी हाँफने चलते आपकी मवेशी चारा दाना कम खाने लगेगी, दूध का मात्रा इससे घटने लगेगा, बीमारी कोई नहीं है केवल हाँफ रही है, इसी बीमारी से आपको दूध का मात्रा घटने लगेगा, जब दूध का मात्रा घटेगा तो उसमें फैट का मात्रा घटेगा, नाना प्रकार की बीमारी भी हो सकता है, खाना कम खाते खाते दिन प्रतिदिन मवेशी कमजोर हो जाएगी, कमजोर होगा तो गिर जाएगी। पशुपालक भाई, आपको घरेलू एक नुस्खा बता रहा हूँ उस बीमारी का, एकदम सस्ता से सस्ता बिना पैसा का दवाई बता रहा हूँ जो कि आपके घर पर उपलब्ध है। किसान बंधुओं, हम पशुपालक भाई, हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, आप लोग हम देखते हैं बीच में ही वीडियो को छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके हमारा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। पशुपालक भाई, दवाई बता रहा हूँ कौन सा जड़ी बूटी वाला दवाई है, जबकि आपके घर खरिहान गली गुच्छा कहीं मिल जाएगा। आपको हरा पुदीना लेना है, जिसका चटनी बनाकर भी हम लोग आप यूज करते हैं, देहात में या शहर में कहीं भी हरा पुदीना मिलता भी, खरीदने पर भी मिलता है, दो चार पाँच रुपया मिल जाता है। आपको हरा पुदीना ले लेना है 100 ग्राम, 100 ग्राम हरा, 100 ग्राम से कुछ ज़्यादा हो या कम हो उससे हमको कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आयुर्वेदिक दवाई है। आपको 100 ग्राम तो मात्र मैक्सिमम हरा पुदीना को बारीक पीस देना है, या मिक्सर मशीन में बारीक उसको बारीक पानी डाल करके पूरा ग्राइंडर कर देना है, पीस बारीक पीस देना है। पीसने के बाद में उसमें क्या करना है, हल्का मात्र 20 ग्राम चीनी मिला देना है घोल करके, दोनों को आपको मिला करके जो मिक्सर पीसे हैं हरा पुदीना उसको उसमें चीनी डाल दीजिएगा 20 ग्राम 25 ग्राम तक, इससे ज़्यादा नहीं डालना है, डालकर 1 kg पानी में आप सुबह शाम पिलाइए। इससे हमारा दावा है कि आपकी गाय भैंस का जो हाँफ रही है हाँफनी बंद हो जाएगा, बछड़ा बछड़ी है उसका आधा डोज सुबह शाम दीजिए, इससे दूध का भी मात्रा बढ़ेगा, भूख भी लगेगा, हाँफनी में भी हाँफ रही है जो गाय भैंस उसमें भी काम करेगा, इस सारा पेट संबंधी बीमारी में भी हरा पुदीना काम करता है। आप लोग भी हरा पुदीना का चटनी भी खा सकते हैं, हरा पुदीना पीस कर पी सकते हैं, इससे आपका आपका भी हाजमा सही रहेगा, मवेशी का भी हाजमा सही रहता है। पशुपालक भाई, आदमी और मवेशी का दवा एक होता है, केवल डोज में अंतर होता है, जानिए शरीर का सब बनावट एक होता है, केवल डोज में अंतर है, आदमी को कम मात्रा में देना है, मवेशी को ज़्यादा मात्रा में देना है, अंतर इतना ही है। आप हरा पुदीना एक बार यूज करके देखिए, उससे जिससे दूध भी बढ़ेगा, भूख भी लगेगा, हाँफनी भी हाँफनी तो 100% बंद हो जाएगा, इससे हमारा दावा है किसान बंधु। अगले बार फिर आऊँगा किसी पशु संबंधी बीमारी के विषय में बताता रहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।